हेलो फ्रेंड्स, सारूज किचन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस डिश, गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए बहुत ही कम आइटम और बनेगा बहुत ही टेस्टी हलवा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ गाजर किसी हुई 1 किलो। मैंने यहाँ 1 किलो गाजर ली है, जिसे धोकर छीलकर किस दिया है। और मैंने यहाँ पर ली है 150 से 200 ग्राम शक्कर, मावा, कटे हुए मेवा, बादाम, इलायची दाना और थोड़ा सा घी। तो दोस्तों, सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और उसे गर्म करेंगे। घी गर्म होने पर इसमें डालेंगे इलायची दाना। जब इलायची दाना थोड़े से पक जाए तो हम इसमें डालेंगे किसी हुई कद्दूकस की हुई गाजर। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स। अब किसी हुई गाजर को हम थोड़ी देर पकने देंगे। 5 से 10 मिनट बाद जब यह पिचक कर थोड़ी सी रह जाती है तो इसे चलाएंगे। हालांकि गाजर अभी और पकनेगी तो इसके लिए हम अच्छे से ऊपर नीचे चलाकर फिर से 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे। 15 मिनट बाद हम देखेंगे कि गाजर पक चुकी है। तो इसे नीचे से चलाते हुए इसमें हम ऐड करेंगे मावा 1 किलो। गाजर में कम से कम 200 ग्राम मावा कद्दूकस कर मिक्स करेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ हर डिश को जरूर शेयर करें। और डिश पसंद आने पर इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करें और आने वाले वीडियोस को जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मावा मिक्स हो जाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ रहा है, तो इसे हम तेज आंच पर पकाएंगे और मावा को चलाते हुए इसका पानी थोड़ा सा सोक हो जाए तब तक हम इसको चलाएंगे। और जब मावा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। अगर आप बहुत ही मीठा खाते हैं तो 200 ग्राम शुगर, और यदि आप लाइट शक्कर खाते हैं, लाइट मीठा देते हैं, तो हम इसमें डालेंगे 150 से 175 ग्राम के लगभग शक्कर और इसे अच्छी तरह करेंगे मिक्स। ठंड का मौसम हो और गाजर का हलवा ना बनाए ऐसा नहीं हो सकता। और गाजर का हलवा बहुत ही जल्दी बन जाने वाला स्वीट्स है। हालांकि यह बहुत ही रिच और हेल्दी होता है, इसीलिए इसे मैं आप शुगर फ्री डालकर भी इसे मीठा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि गाजर का हलवा बनकर तैयार होने वाला है और ये बहुत ही प्यारा कलर आ गया है अब इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई मेवा, काजू, किशमिश, चिरौंजी, पिस्ता। बादाम को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब मैं इसको कर दिया है इसमें ऐड और तेज आंच में इसको पकाएंगे ताकि इसका पानी भी सोक हो जाए। यहाँ गाजर किसने की बात ना धोकर पहले गाजर धोएं, फिर उसे कद्दूकस करें। और जब पानी सोक हो जाता है तो इसे एक बाउल में पलट देंगे और ऊपर से कटी हुई बादाम के साथ इसे गार्निश कर
गर्मा गर्म या ठंडा जैसा भी पसंद करें इसे परोसें। गाजर का हलवा बनकर तैयार है। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।